नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों को महंगाई से बचने के लिए बैटरी से चलने वाली वाहनों का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ईंधन से चलने वाली वाहन की जगह लोग बैटरी वाली गाड़ी का उपयोग करें। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी के आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में शामिल होने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही। इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ ना कुछ तो उसका होता ही असर। दोनों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका एजाज अहमद जी हमारे न्यूज चैनल में। और सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि पेट्रोल डीजल जो कि पूरे देश में अब आसमान छू रहा है, उसके जो दाम है उस पर अब सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बैटरी वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाए। कहां तक इस बात से इत्तेफाक आप रखते हैं सीएम नीतीश के बयान से? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार के द्वारा जो लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि की जा रही है, उस कमियों को छुपाने के लिए बैटरी चालित गाड़ी के इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं। दरअसल पर्यावरण के नाम पर ये लोग देश के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह की ओर ले जा रहे हैं और देश के लोगों को डाइवर्सन की राजनीति में रखना चाहते हैं। महंगाई के प्रति जो लोगों में गुस्सा है, जो पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है जी, उस गुस्सा को शांत कराने की दिशा के लिए पर्यावरण के नाम पर नीतीश कुमार जी ने राजनीति करने का काम किया है। जी एजाज जी, से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे जी, तो कहा करते थे कि पेट्रोलियम के पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने का काम करेगा जी। आज महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह के जो बयानबाजी पहले हुआ करती थी उस मामले पर कोई भी इनके गठबंधन के दल के नेता याद दिलाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें बताने का काम करें। केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि जब पेट्रोलियम पदार्थों में डीजल का एक्चुअल रेट है 33.46 रुपया, एजाज जी एक सवाल मेरा आपसे है जी, 31.82 रुपया जी, लेकिन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें टैक्स के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पेट्रोलियम पदार्थ अब सेंचुरी के स्थिति पर पहुंच गया। लेकिन एजाज जी, जो बीजेपी की पेट्रोल डीजल को लेकर जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार क्या उसे छिपाने का, उसे ढकने का काम तो नहीं कर रहे हैं एजाज जी? हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के जितने भी कुकर्म है सबको छुपाने के प्रयास में लग गए हैं, चाहे किसानों के सवाल का मामला हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का मामला हो, सारे मामले को छुपाने के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड। एक आखिरी सवाल जी एजाज जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। सीएम नीतीश कुमार ने पर्यावरण की बात कही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए बैटरी वाली गाड़ियों का उपयोग किया जाए, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की अगर बात की जाए, मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, तो क्या हर आदमी एक बैटरी वाली गाड़ी खरीदने के लिए, उतना तो हर किसी के पास बजट नहीं होता। तो सीएम नीतीश का कहना है कि भाई बैटरी वाली गाड़ी का ही यूज करें, कहां तक आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं बिहार में, जो हर तबके के लोग रहते हैं, क्या वो इस तरह की बात से क्या वो भी इत्तेफाक रख पाएंगे एजाज जी? पहले तो नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि जो अभी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां सड़कों पर चल रही है उनको किस तरह से वापस लेंगे, और उनको वापस लेने के बाद क्या केंद्र सरकार और बिहार सरकार उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करेगी जी, या उनके लिए लोन की व्यवस्था करेगी, उनको नई गाड़ी देने का काम करेगी? दरअसल ये कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनियां हैं जी, जो अडानी और अंबानी की कंपनियां हैं, जो टाटा और बिरला की कंपनियां, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही है पेट्रोल और डीजल, उनको ये वापसी के दिशा में क्या पहल कर रहे हैं, ये तो पहले रोडमैप लाने का काम करें, ये तो रोडमैप बताने का काम करें। पर्यावरण के नाम पर सिर्फ बैटरी चालित गाड़ियों को चलाने की बात कहते हैं,
आप क्या बताना चाहते हैं? कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। नीतीश जी आई बात की राजनीति करना बंद कीजिए, देश की जनता को भ्रम में रखना बंद कीजिए। देश की जनता आप और नरेंद्र मोदी दोनों के कार्यों से आप पूरी तरह से जान चुके हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाने वाली प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आप कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए लगे हुए हैं, पेट्रोलियम कंपनियों के फायदे के लिए लगे हुए हैं, जिस कारण देश के लोगों को आज ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों नहीं लाते हैं? आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि आपने जीएसटी लाया है, एक देश एक राष्ट्र एक टैक्स, तो एक राष्ट्र एक टैक्स में क्या पेट्रोलियम पदार्थों को नहीं लाया जा सकता? पेट्रोलियम पदार्थों को लाइए, तब समझ में आएगा कि आप सही माने में देश के लोगों का भला चाहते हैं। आप लोग देश के लोगों का भला नहीं चाहते हैं, दो व्यक्तियों का भला चाहते हैं, अडानी और अंबानी का भला चाहते हैं, जिस कारण आज देश के लोगों को जो 130 करोड़ जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है दो लोग उस कारण, और दो केंद्र में और दो बिहार में, ये दोनों कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, देश के लोगों को भ्रम की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं, देश को कहीं ना कहीं महंगाई की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। एजाज जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी का प्रयोग ना करके बैटरी वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाए, इससे पर्यावरण बच के रहेगा, और इस पर विपक्ष भी जो है हमलावर हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ।